बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बंगाल लाचार है। लगातार अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर दिए और ये कह दिया कि बंगाल की राजनीति विशुद्ध हो चुकी है। अनुराग ठाकुर जो है लगातार यहाँ पर ममता बनर्जी को घेरते नजर आए और साफ तौर पर आपको दर्शकों बता दें कि बंगाल में जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि आने वाले समय उनकी सरकार बने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, पहले आप अनुराग ठाकुर को सुनिए कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं ममता बनर्जी को लेकर और बंगाल की लोकतंत्र को लेकर। हम यहाँ के लोग जैसे करते हैं वो इस धरती को शर्मसार भी करें तो यहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल और यहाँ की कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। क्या मुख्यमंत्री जी की शह ऐसे लोगों को और समर्थन है जो अपराधी भी हैं, जिनका आतंक भी है, जो गुंडागर्दी को बढ़ावा भी देते हैं और जो हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम भी करते हैं, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी बंगाल की जनता ने मुँह तोड़ जवाब ममता बनर्जी जी को दिया और टीएमसी को दिया। पिछली बार अगर हम लगभग 5,600 सीटों पर जीते थे तो इस पर 11,000 से ज्यादा जीते हैं, दुगने से ज्यादा समर्थन मिला। अगर पिछली बार हमारे 18 सांसद बने थे तो इस बार हम 35 सांसद यहां से बनाएंगे। बंगाल की जनता ने बता दिया है कि ममता जी आपसे जनता दुखी है, त्रस्त है और आपकी विदाई चाहती है और आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, विपक्षी दल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से, क्या जब उनके नेता यहां पर मर रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है, मारपीट हो रही है, तो क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट अपने कार्यकर्ताओं को बंगाल की धरती पर मरते रहने देंगे, मारपीट होने देंगे, लोकतंत्र की हत्या होने देंगे? अरे मणिपुर तो चले गए, मणिपुर से कई गुना ज्यादा घटनाएं बंगाल में हुई। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मैं पूछता हूं, कहां है आपकी आत्मा? अरे अधीर रंजन चौधरी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कभी बंगाल भी आएंगे? नहीं तो यहां की जनता कहेगी जब हम मर रहे थे, जब मारपीट हो रही थी, तब कांग्रेस के नेता यहां नजर नहीं आए। और कांग्रेस का वो नेता जो अदालत में जाके गुहार लगा रहा था कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वो मणिपुर तो जा रहा है बाकी 20 दलों को लेकर, लेकिन पश्चिम बंगाल लाने का उसका हिम्मत नहीं बन रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल आओगे तो इन सांसदों पर लाठी ममता बनर्जी की सरकार भी पाएगी। क्या डरते हैं ममता जी के राज में आने से सभी सांसद? तो मैं बंगाल की धरती से आवाहन करता हूं उन सभी नेताओं से जो आज मणिपुर तो गए हैं लेकिन महिलाओं के साथ उनकी इज्जत लूटने का खिलवाड़ जो बंगाल की धरती पर हुआ, क्या वो सांसद कभी बंगाल की धरती पर आएंगे? क्या वो रामकृष्ण परमहंस जी की धरती पर आएंगे? क्या वो स्वामी विवेकानंद जी की धरती पर आएंगे? क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की धरती पर आएंगे? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती पर आएंगे? क्या वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आएंगे? ऐसे अनेक को अनेक नाम में गिना सकता हूं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना योगदान दिया या स्वतंत्रता के बाद भी देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। आज उस धरती पर मानवता शर्मसार हो रही है और तृणमूल पार्टी अपराधियों को, गुंडों को संरक्षण दे रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली, महिलाओं की अपराध वाली और उनके साथ दुष्कर्म करने वाली घटनाएं बंगाल में घट रही हैं, लेकिन ये 21 सांसद जो मणिपुर गए, क्या उनकी आत्मा उनको ये नहीं कहती कि हमें बंगाल भी आना है, यहाँ की महिलाओं का दुख दर्द भी जानना है? आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि अनुराग ठाकुर ने यहाँ पर जमकर सवाल खड़े किए। दर्शकों, बंगाल का वो वीडियो आपको याद होगा जिसमें महिलाओं को इस तरीके से जो है यहाँ पर उस पर हमला किया गया और उसको भी निर्वस्त्र कर दिया गया। दर्शकों, यहाँ पर जो है अनुराग ठाकुर ने उस वीडियो के बाद कोई चर्चा नहीं की और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आप ममता बनर्जी को घेर रहे हैं, गठबंधन को घेर रही हैं, लेकिन जो वीडियो मणिपुर से आया उस पर आप चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही हैं? अब देखना ये पड़ेगा कि अनुराग ठाकुर के इस बयान को सुनने के बाद क्या ममता बनर्जी को रिएक्शन देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।